नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू लिंक्स न्यूज इस समय पहुंच चुका है अखनूर के उस बट्टल क्षेत्र में, जहां पर कि आज सुबह से एक एनकाउंटर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 3 आतंकी हैं जिन्होंने एक सैन्य वाहन पर हमला किया था और उसके बाद से ही यहां पर जो फोर्सेज थी उनका कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और इस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में जो एक कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था आतंकियों के साथ और उसके बाद से ही यहां पर एनकाउंटर चल रहा है। अगर मैं आपको वो लोकेशन बताऊं तो ठीक ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इसी पुल के ठीक सामने जो 90 डिग्री पर कुछ पेड़ आपको नजर आ रहे होंगे, उन्हीं के ठीक नीचे वो स्पॉट है जहां पर इस समय एनकाउंटर चल रहा है। और आज सुबह की यह घटना है जिस वक्त कुछ आतंकियों ने एक सेना की जो कॉन्वाई मूव कर रही थी उसी उस कॉन्वाई में एक एम्बुलेंस थी उससे टारगेट किया था, फायर किया था और उसके बाद से ही इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में मालूम चला था और फिर एकाएक स्विफ्ट यहां पर एक्शन लिया गया और उसके बाद सेना की ओर से अतिरिक्त जो नफरी है वो यहां पर भेजी गई, जवान यहां पर आए, जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर आई। तो ये वो स्पॉट आप देख सकते हैं, यहां पर इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मौजूद है और इस ब्रिज से आगे अगर मैं आपको यहां पर बताना चाहूं कि नीचे एक खाई है और इसके ऊपर ये पूरा ब्रिज है और यहां से ठीक आगे जो बट्टल क्षेत्र है तो वहां पर एक मंदिर है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे और उसके बाद जब उन्होंने एक सैन्य एम्बुलेंस पर फायर किया तो उसके बाद से ही असेना ने यहां पर मोर्चा संभाला और उस वक्त से ही यहां पर ये एनकाउंटर जारी है। आसान मंदिर है ये जहां पर ये छुपे हुए थे और एक सेना की एम्बुलेंस जो वहां से गुजर रही थी उस पर इन्होंने फायर किया था जिसके बाद से ही यहां पर जो एनकाउंटर था वो शुरू हो चुका था। हालांकि पहले सर्चिस यहां पर कंडक्ट की गई और सर्चिस के दौरान ही यहां पर कॉन्टैक्ट जो था वो एस्टेब्लिश हुआ और इस कॉन्टैक्ट के एस्टेब्लिश होने के बाद एनकाउंटर यहां पर ब्रेकआउट हुआ। हालांकि अभी कुछ अपुष्ट खबरें जरूर यहां पर आ रही हैं कि शायद तीनों आतंकी मारे गए हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये जो आतंकी यहां पर ट्रैप थे ये मारे गए हैं या फिर अभी वो अंदर ही मौजूद हैं, क्योंकि बॉडीज जो है वो शायद अभी रिकवर नहीं हुई है और जब तक बॉडीज इनकी रिकवर नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है एनकाउंटर जो पूरा ऑपरेशन है वो ओवर डिक्लेयर नहीं होगा। एरिया की बात करेंगे तो अखनूर से भी आपको करीब 35 से 40 किलोमीटर डीप आना पड़ता है और जो अल्टरनेट रोड नेटवर्क है वो उतना बेहतर नहीं है। टेरेन जो है वो आप यहां पर देख ही रहे हैं किस प्रकार का टेरेन है और क्योंकि इस समय जो फॉरेस्ट है वो काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट की जो एक स्क्रीन कवर मिलता है उसी की आड़ में कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दूं कि जिस जोगवा विलेज का जिक्र सबसे पहले आया था वो जोगवा विलेज यहां से ठीक पीछे पड़ता है। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पुलिस की गाड़ियां आप देख रहे हैं इससे ठीक पीछे जो है वो जोगवा विलेज पड़ता है और आगे का जो एरिया है वो बट्टल है। यानी कि ये जो ब्रिज है, ये जिस ब्रिज पर मैं इस समय खड़ा हूं इसके ठीक बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे जो कुछ पेड़ आपको दिख रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आगे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करें, तो जोगवा इससे पीछे है, बट्टल यहां से आगे है और ठीक सामने जो कुछ पेड़ दिख रहे हैं आपको हल्की मूवमेंट वहां पर दिख रही होगी तो वहां पर वो मंदिर है जहां पर ये आतंकी सुबह आकर बैठे थे और सुबह के समय कुछ स्कूली बच्चे जिस वक्त उस मंदिर में गए माथा टेकने के लिए तो जानकारी मिल रही है कि उस समय इन आतंकियों ने उन बच्चों को वहां पर बंधक बना लिया और काफी देर तक वो बच्चे जो थे वो वहां पर उन्होंने बंधक बना के रखे, उसके बाद बच्चों को उन्होंने रिलीज किया और उसके बाद ये पूरी घटना जो थी कहीं ना कहीं सामने आना शुरू हुई और इसी दौरान सेना की एक मेडिकल कॉन्वाई वहां से मूव कर रही थी और उसी कॉन्वाई की एक एम्बुलेंस थी जिस पर अटैक किया गया, जिस पर की गोलियां चलाई गई और जिस वक्त सेना की एम्बुलेंस पर फायर किया गया तो उसके बाद से ही सेना ने यहां पर एकदम से मोर्चा संभाल लिया और फिर यहां पर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं यहां पर इस ब्रिज पर फिलहाल कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है, किसी भी लोकल को यहां पर आने की अनुमति नहीं है क्योंकि ठीक सामने जो है वो पूरा ये ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन लगा कर रखा है और जब तक ये पूरी तरह से एश्योर नहीं हो जाता है
कि एरिया में जो आतंकी थे वो मारे गए हैं, तो तब तक ये कॉर्डन और ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। नीचे आप देखें गहरी खाई है और वाटर बॉडी जो है वो बिल्कुल नीचे है, और कहीं ना कहीं ये ब्रिज जो है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस बाबत की अगर कोई क्रॉसिंग होती है तो वो इस ब्रिज के रास्ते से ज्यादा हो सकती है। इसीलिए फिलहाल स्ट्रेटेजिकली इस ब्रिज पर से तमाम मूवमेंट्स जो है वो रोक दी गई हैं। इस ओर से अगर आप देखेंगे तो सामने आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर डिप्लॉयड है और सामने तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने घेराबंदी जो है वो लगा रखी है, और यहां से आगे जो है वो लोकल से कोई भी मूव नहीं कर सकता है। मैं थोड़ा आगे जाकर भी आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस ब्रिज से जो है वो बिल्कुल नजदीक ही एनकाउंटर इस समय चल रहा है। और ये जो ट्री शील्ड आप देख रहे हैं, इसी ट्री शील्ड के पीछे जो है यहां 90 डिग्री अगर आप देखेंगे, बिल्कुल जहां पर कुछ गाय आपको दिख रही हैं ब्रिज के ऊपर, तो वहां पर इस समय ये एनकाउंटर चल रहा है। और ठीक सामने ये वो एरिया है जहां पर इस समय ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, और यही कोशिश इस समय सुरक्षा बलों की, सेना की, जम्मू कश्मीर पुलिस की है कि जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। इसमें एक बड़ी अच्छी बात देखने को ये मिली कि जिस वक्त सुबह इन आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस पर फायर किया तो जो बाकी की गाड़ियां कॉन्वाई में मौजूद थी उन्होंने उनमें जो तुरंत जवान बैठे थे उन्होंने तुरंत रिटेलिएट किया, यानी कि फायर किया, और आतंकी जिस प्रकार के बड़े हमले को अंजाम देना चाहते थे उसमें वो नाकाम हो गए। और उसके बाद जो मंदिर है वहां पर कॉर्डन किया गया, यानी कि अब तक का ये जो पूरा आप सिलसिला देखेंगे, पूरा ऑपरेशन देखेंगे, ये एक क्लीन ऑपरेशन रहा है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को, सुरक्षा बलों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड वहां पर किया गया, और उसकी बदौलत ये रहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बल, सेना जो है उनमें किसी प्रकार की कोई भी फैटल कैजुअल्टी या कैजुअल्टी नहीं देखने को मिली है, और ऑपरेशन पूरी तरह से क्लीन रहा है। लेकिन सामने का जो एरिया है इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से ये एरिया सील्ड है, यानी कि ऑपरेशन अब तक समाप्त नहीं हुआ है। और तीन आतंकी जो कि अभी फिलहाल बताया जा रहा है, एक स्पेकुलेटिव नंबर है क्योंकि जब तक ऑफिशियली किसी डेटा पर बात नहीं की जाएगी, डेटा रिवील नहीं किया जाएगा, तो ये कह पाना कि एग्जैक्टली आतंकी तीन ही थे ये संभव नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए ये वो एरिया है बट्टल का। हालांकि अगर आप जम्मू या अखनूर से आना चाहेंगे तो एरिया बहुत दूर पड़ता है, इतना आसान नहीं है यहां तक पहुंचना, लेकिन क्योंकि हम आपको बिल्कुल ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं तो बिल्कुल ठीक सामने ये पुल जहां पर समाप्त होता है और जहां पर दो पेड़ों के बीच में आपको थर्ड ट्री स्क्रीन नजर आ रही है जहां पर कुछ पशु मौजूद हैं, ठीक वहां पर इस समय ये ऑपरेशन चल रहा है। और अभी फिलहाल हमें इंतजार है कि कोई बड़ा अधिकारी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का यहां पर आएगा और उससे यहाँ पर विचार, वो अपनी यहाँ पर हमें बताएंगे कि क्या आगे की स्ट्रेटजी चल रही है और क्या आगे की पोजीशन है, क्या ये ऑपरेशन समाप्त हुआ है या फिर अभी इसमें समय लगेगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की अक्सर ये कोशिश रहती है कि जब भी कोई एनकाउंटर या ऑपरेशन लॉन्च होता है तो उसे डे लाइट में ही फिनिश किया जाए, क्योंकि रात के समय मुश्किल हो जाता है किसी ऑपरेशन को समाप्त करना। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कॉर्डन है वो यहां पर लगातार चल रहा है, और ये देखिए ये जो एडजॉइनिंग एरिया है वहां पर भी अब जो सेना के जवान हैं वो मूव करते हुए, क्योंकि पूरा एरिया सर्च करना बहुत जरूरी है, कितने ग्रुप्स थे या कितने आतंकी थे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बाबत कोई भी सटीक जानकारी मौजूद नहीं है, तो ऐसे में पूरा एरिया सैनिटाइज करना बहुत जरूरी रहता है, और वही यहां पर इस वक्त होता हुआ। तो फिलहाल अखनूर के बट्टल में ये जो एनकाउंटर आज सुबह शुरू हुआ था ये अभी भी चल रहा है, और ये बताया जा रहा है कि तीन आतंकी जो हैं वो अंदर ट्रैप हैं, और सामने ही वो मंदिर है जहां पर इस समय ये ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन फिलहाल कोई भी जो अधिकारी है पुलिस का या सेना का, उसकी ओर से अभी तक कोई इस पर फाइनल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो अभी अखनूर के बट्टल में जो एनकाउंटर सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुआ था वो यहां पर जारी है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं विशाल शर्मा, बट्टल, अखनूर।